राहुल और पूजा त्रिभुजों की समरूपता की ट्रिपल ए कसौटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी पूजा के दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्या इसका विलोम भी सत्य हो सकता है। राहुल ने बोला, चलो देखते हैं पहले कि इसका विलोम होगा क्या। हमने ट्रिपल ए कसौटी में पढ़ा था कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा यदि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। तो क्या यह सत्य है कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे? राहुल और पूजा फिर से अपने अध्यापिका के पास गए और उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि यह सत्य है। चलो मैं एक क्रियाकलाप की मदद से आप लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ बनाया और उनकी भुजाओं का माप कुछ इस प्रकार ले लिया कि ए बी बाय डी ई बराबर डी सी बाय ई एफ बराबर सी ए बाय एफ डी हो। यहाँ हम देख सकते हैं इन त्रिभुजों का अनुपात बराबर है, जो 2/3 के बराबर है। अब हमें यह देखना है कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर है या नहीं। चलिए कोणों का माप ले लेते हैं। कोणों का माप लेने के बाद हमने देखा कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ, यानी कि संगत कोण भी आपस में बराबर हैं। फिर अध्यापिका ने बोला कि अनेक त्रिभुजों के युग्म खींचकर अगर इस क्रियाकलाप को दोहराएं तो प्रत्येक बार पाएंगे कि इन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। फिर राहुल ने बोला कि हमें सिर्फ ऐसे ही त्रिभुजों के युग्म लेने होंगे जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो। फिर टीचर ने कहा, सही कहा तुमने राहुल, और यही त्रिभुजों की समरूपता की दूसरी कसौटी है और इसे त्रिभुजों की समरूपता ट्रिपल एस कसौटी कहा जाता है। और प्रमेय 6.4 भी, जो कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रमेय को हम ठीक उसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं जैसे प्रमेय 6.3 को किया था। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि AB by DE बराबर BC by EF बराबर AC by DF, अर्थात संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। सबसे पहले त्रिभुज DEF में दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे कि AB बराबर DP हो तथा AC बराबर DQ हो। यहाँ पर हमारा मेन एम है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सर्वांग सम दिखाना। अब हमें पता है कि AB by DE बराबर AC by DF है। हम इसे DP by DE बराबर DQ by DF भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB DP के बराबर है और AC DQ के बराबर है। अब हम इस अनुपात को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों पक्षों में एक घटा देंगे तो हमें यह मिल जाएगा, DE माइनस DP PE के बराबर है तथा DF माइनस DQ QF के बराबर है। अब इस अनुपात को इस प्रकार लिखने के बाद प्रमेय 6.2 की मदद से कह सकते हैं कि PQ EF के समांतर है। अब चूंकि PQ EF के समांतर है तो क्या हम कह सकते हैं कि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F है? जी हाँ, ये बराबर होंगे क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर बने संगत कोण हैं। अब क्या हम त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF को समरूप कह सकते हैं? जी हाँ, ये त्रिभुज समरूप होंगे क्योंकि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F है। और हमने प्रमेय 6.3 में पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमें जो दिया गया है उसे कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि BC by EF बराबर PQ by EF होगा। अब चूंकि यहाँ हर बराबर है इसलिए इनका अनुपात तभी बराबर होगा अगर अंश भी बराबर हो, इसलिए BC BQ हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ट्रिपल ए सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है।
क्योंकि ए बी बराबर डी पी है और ए सी बराबर डी क्यू तथा बी सी बराबर पी क्यू है। अब चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण डी बराबर कोण ए होगा और कोण पी बराबर कोण बी होगा और कोण क्यू बराबर कोण सी होगा। अब चूंकि कोण पी बराबर कोण ई के बराबर है, इसलिए कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर ई है तथा कोण सी बराबर कोण एफ है, यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के संगत कोण बराबर है। इस प्रमेय में हमें दिया गया था कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है और हमने दिखा दिया कि इनके संगत कोण भी बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए।